नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे घर के मंदिर में कितने दीपक जलाने चाहिए। वैसे तो घर के मंदिर में एक दीपक जलाना ही पर्याप्त होता है। ईश्वर के समक्ष दीपक जलाकर हम अपने जीवन की अनेक समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। आइए जानें कैसे। नंबर एक, गणेश जी के सम्मुख घी का तीन बातियों वाला तीन मुखी दीपक जलाने से विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है और यश प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। नंबर दो, माँ सरस्वती जी के सम्मुख घी या तिल के तेल का दो बातियों वाला दीपक जलाने से उत्तम शिक्षा की प्राप्ति होती है और शिक्षा के क्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। नंबर तीन, श्री लक्ष्मी नारायण के सम्मुख मौली की बाती का घी का दीपक हल्दी एवं सिंदूर डालकर जलाने से जीवन में तरक्की एवं सफलता प्राप्त होती है। नंबर चार, धन संपदा प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी जी के सम्मुख सात मुखी दीपक जलाना चाहिए। नंबर पाँच, भोलेनाथ शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सरसों के तेल का 8 या 12 मुखी दीपक जलाना चाहिए। नंबर छह, शिवलिंग के समक्ष तिल के तेल के 3 दीपक जलाने से संपूर्ण कष्टों का निवारण होता है और दुख दारिद्र्य दूर होता है। नंबर सात, घर के मंदिर में 5 मुखी दीपक जलाने से कोर्ट कचहरी मुकदमा आदि से छुटकारा मिलता है और कानूनी मामलों में जीत हासिल होती है। नंबर आठ, हनुमान जी के सम्मुख 8 बातियों वाला तिल के तेल का दीपक अथवा लाल बाती वाला चमेली के तेल का 3 मुखी दीपक जलाने से अनजाने भय से मुक्ति मिलती है तथा सभी संकट दूर होते हैं। नंबर 9, शनि देव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। नंबर 10, राहु केतु को प्रसन्न करने के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कृपया वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।